नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रोहतक में झज्जर चुंगी के नजदीक हुए बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड के मामले में मंगलवार को वकील मोहित वर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी अभिषेक मलिक की प्रॉपर्टी के लालच में ही सब पड़े हुए हैं। अपने चैम्बर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसी गुप्ता नाम के व्यक्ति का जिक्र किया और बताया कि इस व्यक्ति ने ही केस से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया था। बाद में वो जेल में जाकर भी अभिषेक मलिक से मिला था। आपको बता दें कि पहले मोहित वर्मा ने ही अभिषेक मलिक की ओर से कोर्ट में वकालतनामा पेश किया था, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने वकालतनामा वापस ले लिया। दरअसल वरिष्ठ वकील शिवराज मलिक अब इस केस में अभिषेक मलिक की पैरवी करेंगे। विजयनगर का ये बहुचर्चित हत्याकांड 27 अगस्त को हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी संतोष उर्फ बबली, बेटी नेहा और सास रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड के सिलसिले में प्रॉपर्टी डीलर के 20 वर्षीय बेटे अभिषेक मलिक को ही गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। देखिए, अभी इस केस में मैं विड्रा कर चुका हूँ वकालतनामा, पर कुछ बातें ऐसी थी जो बाद में खुल नहीं थी, पर मैं आज इस केस से रिलेटेड मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ जो जनता को भी पता हो, मीडिया को भी पता हो। इस केस में स्टार्टिंग में जब हमने पावर अटॉर्नी दी थी तो हमारे पास किसी वकील का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं आपके कोर्ट का सीनियर वकील हूँ और आपको किस केस से कोई भी मदद चाहिए तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनका धन्यवाद किया और मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपकी कोई ज़रूरत होगी ज़रूर बता दूँगा। उसके बाद कोई गुप्ता नाम का लड़का तो नहीं कह सकते, एक गुप्ता नाम का आदमी था, वो हमसे मिलता है। उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि आपसे मिलना है, तो मैंने पूछा कि कौन हो आप, तो उसने कहा कि मिल के बताएंगे। तो उस गुप्ता से मैं मिलता हूँ अपने ऑफिस में, तो वो ये बोलता है कि मैं इस केस को स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस केस में आप किसी वकील को साथ में लें। मैंने उसके वकील का नाम ना पूछा ना उसने कोई बताया, तो मैंने उसका रीज़न पूछा तो उसने ये बताया कि इस लड़के के नाम कुछ अनऑफिशियल और ऑफिशियल प्रॉपर्टी है जो फिलहाल ख़राब ही हो रही है और वो ख़राब ही होएगी। मैंने कहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो बोलता है कि ये लड़का अंदर जाएगा और वो प्रॉपर्टी ख़राब रहेगी। मैंने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ एक बड़ी अमाउंट का, आप ये बड़ी अमाउंट अभी मुझसे ले लें और कुछ अमाउंट हम आपको बाद में देंगे। मैंने पूछा क्यों देंगे, तो उसने कहा कि इस केस में आप या तो पीछे हट जाएं या किसी वकील को साथ ले लें ताकि हम इस लड़के को अंदर ही फंसवा कर इस केस को अलग मोड़ दें और जो प्रॉपर्टी है उस लड़के को अंदर रहते हुए अपने नाम तक उतरवा लें। जब मैंने इसका विरोध करके उसको वहाँ से भगा दिया तो उसका दो दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपने हमारा ऑफर ठुकराया है और अभी हम पावर में हैं तो अभी हम आपको क्लियर ही हटा देंगे। उसके बाद मैंने कोई कंप्लेंट वगैरह उसकी नहीं दी, फिर भी मैं उसको देखता रहा कि क्या करता है क्या नहीं। उसके बाद जेल अथॉरिटी का कुछ ऑर्डर होते हैं यहाँ मजिस्ट्रेट साहब से कि किसी एनजीओ को जेल में ना मिलने दिया जाए, और नेक्स्ट डे ही कोई एनजीओ और कोई गुप्ता नाम का आदमी जेल अथॉरिटी की परमिशन से अभिषेक से मिलने जाता है और अभिषेक का माइंड वॉश करता है कि हम आपको फेवर करेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको निकलवाएंगे। अभिषेक जब अपने किसी कज़न से मिलता है जो उसके फेवर में थे, उन्होंने उसके बारे में बताया तो उसके कज़न ने कहा कि हमने आपका वकील मोहित वर्मा ही कर रखा है, वो ही रहेगा। उसके बाद दोबारा वो गुप्ता नाम का आदमी उससे मिलने जाता है, मेरा नाम लेकर उससे पावर अटॉर्नी साइन करवाता है और उस खाली पावर अटॉर्नी के ऊपर किसी थर्ड वकील का अपना नाम लिख देता है और यहाँ पे कोर्ट में पेश कर देता है। उसके बाद जब मैं दोबारा अभिषेक से मिलता हूँ, बात होती है, तो वो कहता कि मैंने तो किसी पावर अटॉर्नी पे साइन नहीं किया, वो तो ब्लैंक थी और आप ही ने भेजी थी। उसने कहा कि मोहित वर्मा ने ही मेरे को भेजा है। तो जब हमको पता लगा ये चीज़ों का तो हमने फ्रेश पावर अटॉर्नी दी और एक अप्लीकेशन मूव की। उसके बाद वो गुप्ता को पता लगता है, वो दोबारा उससे मिलने जाता है और उस लड़के का माइंड वॉश करता है मेरे लिए, उसकी फैमिली के लिए, जो उसकी सपोर्ट में आ रहे थे उसके लिए। उसके बाद जो स्टोरी होती है वो कल आपको पता ही है। तो इस केस में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही रीज़न था कि इस केस में अभी तक जो भी हुआ, जिसके लिए भी हुआ और जो भी होगा, वो अब तक सही रहा है, कोई अभिषेक के खिलाफ नहीं रहा है। अब भविष्य में अगर इस लड़के के ऊपर कोई भी बात आती है केस से रिलेटेड, किसी से बात से रिलेटेड, तो उसका जिम्मेवार
वो खुद होगा। हम इस केस से पीछे हट चुके हैं, हमारा अब इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। सर एक क्वेश्चन है ये कि आपको क्या लगता है कि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए जो है और वकील हैं या कोई एनजीओ हैं वो बीच में आकर वो उसका केस लड़ना चाहते हैं या उसको ब्रेन वॉश किया गया, कोई मकसद क्या हो सकता है? देखिए इस केस में फिलहाल केस लड़ने का कोई भी तुक नहीं है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं। अगर अगर इस केस में प्रॉपर्टी का एंगल होता तो ये प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर्स को ही जाती। फिलहाल प्रॉपर्टी का कोई भी एंगल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अभिषेक की मर्जी से किसी के पास भी जा सकती है, और प्रॉपर्टी के पीछे पूरा रोहतक जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो पीछे भाग रहा है। और इस केस में जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं, हम पुलिस प्रशासन लगा लें, कोई रिलेटिव लगा लें, कोई दोस्त लगा लें, सबको एक लालच है पैसे का, प्रॉपर्टी का। अब ये किसके हिस्से में जाता है ये तो अभिषेक ही इस चीज को बता पाएगा। मोहित जी भविष्य में अगर मान लो ये वकील हट जाता और आपको हायर किया जाता तो आप लड़ेंगे फिर दोबारा से केस? नहीं, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है क्योंकि इस केस में 3-4 वकील ऑलरेडी आ चुके जा चुके, अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब से पहले इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है तो जब स्टार्ट होगी, जब ये ट्रायल स्टार्ट होगी तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी इसमें वकील कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। कल जो शिवराज मलिक जी हैं उन्होंने बोला था भाई मैं लड़ रहा हूँ, ना भी लड़ूँ आगे जाके और कोई आ जाए, तो यही पूछ रहा हूँ हो सकता है भविष्य में फिर आप लेंगे इस केस? क्योंकि उन वकील साहब को पता है कि ये किस केस के अंदर जितनी भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रखी है, अब उनको अपने क्लाइंट पे भी, जो उनका क्लाइंट वो मेरा था अब उनका क्लाइंट है, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है कि वो कल को किसको हायर कर ले। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।